Hello guys, so welcome back to the Los Santos again. I am your friend Terminator and welcome to all of you in Terminator 3. तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक नई लोकेशन पे। हमको पता चला है कि GTA ऑनलाइन पे प्रॉपर्टी पे कुछ सेल मिला है, तो हम सोचे क्यों ना एक प्रॉपर्टी अपने नाम किया जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस लोकेशन पे। लोकेशन आगे सामने का ही बताया था, शायद आने ही वाला है। हाँ, ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे दोस्तों हमको दो प्रॉपर्टी मिले थे, एक ये वाला मिला था और ये बगल में दूसरे ये वाला मिला था। पर मैंने इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि ये बढ़िया दिखता है और इसकी जो गैराज है इसके सामने थोड़ा सा जगह भी है, तो हमने इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट नहीं किया। हमने सिलेक्ट किया इसकी बगल में ये वाला प्रॉपर्टी, तो ये काफ़ी देखने में अच्छा भी है। तो मैं एक बार इसका गार्डन चेक करके आता हूँ कैसा है। ओके, तो इसका कोई गार्डन है नहीं, बस छोटा सा सोफा वोफा लगा है क्योंकि इसका जो पिछला हिस्सा है पूरा एकदम बाहर की तरफ है। यहाँ पे ऐसे कुर्सी वर्सी रखा हुआ है। तो ये पिलर पे पूरा घर है, अगर ये दोनों पिलर टूट गया तो फिर घर भी खत्म। ठीक है, अब टूटेगा तो टूटेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये पीछे का ऐसा ही हिस्सा है, आपको ओपन स्पेस थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पे। मैं यहाँ से एक बार निकल के सामने की तरफ जाता हूँ। अब बस पीछे से इतना ही है। अब मैं करता हूँ इस पे एंटर कि इसका इंटीरियर कैसा है। अब मैं तो अभी अंदर कुछ नहीं सकता क्योंकि मैंने इसको अभी परचेस नहीं किया। तो यहाँ पे आपको परचेस करने के लिए ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो ये हमको पड़ रहा है 5000 ऐसे के आसपास, क्योंकि GTA ऑनलाइन में ऐसे ही होता है, मिलियंस पे जो कम घर होता है वो सब पेंट हाउस होता है। अभी अगर आपको लगे कि ये जो अमाउंट है ये काफ़ी कम है GTA ऑनलाइन के हिसाब से, तो जब GTA ऑनलाइन लॉन्च हुआ था तब इतना इनकम सोर्स नहीं था, तो इसीलिए प्राइस ऐसे रखा हुआ था। बाकी आप पेंट हाउस ले सकते हो, ये सब मिलियंस पे आते हैं। जब मैंने पेंट हाउस लिया तब भी ऐसे कुछ 2.5 मिलियन के आसपास ऐसे स्पेंड किए थे। ओके, तभी हम लोग फटाफट एंटर करते हैं अपनी नए मैंशन पे, देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। ओके, तो अंदर आते ही हमको पहले फर्स्ट फ्लोर पे, ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर नहीं है, ये एक्चुअली टॉप फ्लोर है। तो आपको ये टॉप फ्लोर पे मिलेगा आपका डाइनिंग स्पेस, यहाँ से बाहर देख सकते हो जितना मर्जी। ये हो गया आपका टॉप फ्लोर। ये हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर साइड। हाँ, तो ये हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे आपको बेडरूम मिल जाएगा, आपका पर्सनल बेडरूम है ये। यहाँ से भी आप बहुत कुछ देख सकते हो अपनी मनचाहो तो। बाकी यहाँ पे कपड़ा वपड़ा, और यहाँ पे ये हो गया बाथरूम। बाथरूम काफी शानदार है।
ये आपका ड्रेसिंग रूम हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, शायद यहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे। अभी हम चलते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर। इंटीरियर इसका काफी ब्यूटीफुल है, लुक देख ही सकते हो। प्राइस भी बहुत ठीक ठाक है। और ये हो गया आपका हेस्ट रूम, आप यहाँ से हेस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी। काफी बढ़िया घर है ये तो। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा चिल करता हूँ। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना ये वाली वीडियो आप सभी को कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि वो मेरे लिए काफी जरूरी है, आप सभी को पता है। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे इस खिड़की में विंडो के ग्लास ना होता ना, तो मैं तो खुशी के मारे इस खिड़की से कूद गया होता।